कमलनाथ सरकार को किसान और जनता विरोधी बताते हुए सद्भावना अधिकार मंच के कार्यकर्ताओं ने झुंझुना बजाकर प्रदर्शन किया। 7 नंबर स्टॉप पर हुए प्रदर्शन में मंच ने कांग्रेस की प्रदेश सरकार पर जनता को काली दीपावली मनाने पर मजबूर करने का बड़ा आरोप लगाया है। कमलनाथ वोट में आओ, वोट में आओ, वोट में आओ। कमलनाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कमलनाथ। लगभग 10 माह पुरानी कांग्रेस की सरकार पर हमला करने का कोई मौका सद्भावना अधिकार मंच नहीं छोड़ती है। फिर वो किसानों की कर्ज माफी हो या बढ़ते अपराध या फिर महिला सुरक्षा की बात हो, मंच का बड़ा आरोप है कि सरकार केवल वादे कर रही है जबकि जमीन पर उसका कोई ठोस काम नहीं है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार जिस हिसाब से 4 दिन पहले उन्हीं की तनख्वाह देकर वाहवाही लूटना चाहती है, मेरा आपके चैनल के माध्यम से उनसे निवेदन है कि कर्मचारियों को बोनस मिलना चाहिए, किसानों को मुआवजे के पैसे उनके अकाउंट में नहीं आए वो मिलना चाहिए, उसके साथ साथ 51,000 रुपये कन्यादान योजना के, चाहे बच्चों को स्कूटी की बात हो चाहे लैपटॉप की बात हो, उसके अलावा जो सब्सिडी की बात सरकार करती आई है, जो 983 वचनों का झूठ का पुलिंदा वो जनता के बीच में लेके आई थी, वो वचन पूरे करेंगे तभी सार्थक दिवाली मनेगी। उन सभी लोगों के, मध्य प्रदेश के लोगों के खातों में जब पैसा जाएगा तभी सार्थक दिवाली मनेगी। मध्य प्रदेश के इतिहास में ये काली दिवाली पहली बार नौजवान किसान और महिलाओं के लिए मनाई जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से वचन पे वचन देने वाली ये सरकार केवल प्रवचन रूपी सरकार साबित हो रही है। एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया है। 51,000 की राशि कन्याओं को नहीं मिली, किसानों को उनका मुआवजा नहीं मिला है, नौजवानों बेरोजगारी भत्ते के लिए भटक रहा है। तो इस प्रकार से जब सरकार काम करेगी तो निश्चित रूप से सरकार को जगाने का प्रयास आज सद्भावना अधिकार मंच के माध्यम से सारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। सद्भावना अधिकार मंच ने चेतावनी दी है कि कांग्रेस के राज में मध्य प्रदेश में काली दिवाली मन रही है, जनता परेशान है और सरकार मस्त है। सद्भावना अधिकार मंच ने इसको लेकर उग्र आंदोलन करने की धमकी भी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज, भोपाल। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें। अरे 55 साल में तुम जो नहीं कर पाए पहले उसका जवाब दो। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 5 मिनट भी अपने पब्लिक रिलेशंस को, अपने पीआर को छोड़ नहीं सकते।